Okay, good morning and welcome back. So let's start. And as usual, some few messages have started coming in. And some are also in the waiting room, in the pipeline, so-called. So messages from Harshit, Rishabh, Garv. Rishabh Jain has asked a query, and that is, aaj aap school nahi gaye? So now the board is now an identifier. उसे देख के पता चल जाता है कि क्लास घर से लिया जा रहा है या स्कूल से लिया जा रहा है. सो दैट्स एन आइडेंटिफायर है ना. चलो अभी देखो, स्कूल वाला मामला तो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है. अभी तो तीन चार दिन तो सबका ट्रायल चल रहा है, इन द सेंस की सारे टीचर्स के को बुला के. आज भी कुछ लोग गए हैं. सम टीचर्स आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम स्कूल ओनली टूडे ऑल्सो. So a little bit of a kind of a familiarization is going on. So everybody is being given a chance to get familiarized ki wahan pe kaise setting meeting karenge, hai na, and all. Aur jahan tak school bulane wali baat hai, it is still in the process of formation and not finalized as yet. So nothing can be commented, hai na. What can be only commented is that we have to start with rotation. Okay, the discussion. तो कल हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चीजों को छोड़ दिया था, एंड दैट वाज अबाउट स्लाइडिंग यानी स्लिपिंग. तो हमने देखा था कि एक एक्सप्रेशन आया, यानी देखो हमने एक एंगल पढ़ा था, दैट इज थीटा आर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हेन स्लाइडिंग स्टार्ट्स फॉर पार्टिकल्स. और थीटा आर क्या होता है, tan inverse mu, याद है ना. तो ये हमने लास्ट करा था ड्यूरिंग अवर लॉज ऑफ मोशन डिस्कशन. वो अलग टाइप का डिस्कशन था. तो लॉज ऑफ मोशन के टाइम डिस्कशन में हमने करा था कि जो एंगल ऑफ रिपोज है, दिस एंगल ऑफ रिपोज, दिस इज व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स. तो स्लिपिंग कब स्टार्ट होता है ना, tan inverse ऑफ mu. गॉट इट, ठीक है ना. देहम हैज आस्क्ड अनदर क्वेरी, एंड दैट इज नो अपडेट ऑन हाफ ईयरली. वेल, हाफ ईयरली का अपडेट तो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज स्टार्टिंग ऑन मंडे, है ना. तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज स्टार्टिंग ऑन मंडे. द ओनली क्वेरी दैट आई कैन नॉट आंसर राइट नाउ इज दैट कि वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा या मिक्स होगा, आई एम नॉट अवेयर, ठीक है ना. चलो एनीवे, लाइक थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू इज द एंगल ऑफ रिपोज. नाउ दिस इज द पॉइंट, या दिस इज द एंगल एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स फॉर पार्टिकल्स. लेकिन उस दिन भी हम लोगों ने एक थीटा एस निकाला था, और वो थीटा एस आया था इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू इनटू, देखो जरा मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, क्या आया था उस दिन फॉर्मूला, वन प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, इज दैट सो, चेक करो जरा. दैट वॉज द लास्ट पॉइंट वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे, ठीक है ना. ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आया था, है ना, एक बार चेक कर लो. तो इसके मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर मान लो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना. तो अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को अगर मान लो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखो और इंक्लाइन प्लेन का एंगल धीरे 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 बढ़ाओ, तो टैन इनवर्स म्यू पे स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगा. नाउ यू माइट से, ये आप कैसे कॉन्फिडेंस से बता रहे हो, क्योंकि ये tan inverse mu से ज्यादा है, because this is one plus something and it's a square quantity, तो कोई negativity का कोई chance नहीं. यानी ये जो angle है, this angle theta s is obviously greater than theta, obviously theta s is greater than theta, तो देख के पता चलता है. यानी क्या हुआ देखो कि ये जो angle मैं बोल रहा था is that जैसे जैसे angle of the incline बढ़ाओगे तो theta r पे कुछ नहीं होने वाला, simple प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके नीचे आएगा. और एंगल बढ़ाओ, और एंगल बढ़ाओ, और एंगल बढ़ाओ, देन रीच दिस एंगल ऑफ थीटा एस व्हिच इज दिस, है ना, रिटन हियर. उस एंगल पे क्या होगा, स्लिपिंग स्टार्ट होगा. सो दैट वाज इन ब्रीफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास, ठीक है. ओके, एक चीज मैंने कल डिस्कस किया था, दैट इज कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट रोल डाउन करके आता है, एक चीज हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट रोल डाउन करके आता है, इन दैट केस फ्रिक्शन क्या था, अपवर्ड्स. सपोज मैं इसके रिवर्स कर देता हूं, ध्यान से सुनना,
और लेट्स से थीटा इज प्रीटी स्मॉल, ठीक है ना, थीटा इज स्मॉल, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, यहां से कहीं से रोल करके, तो लाइक इट विल कम विद प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग अप. सो दिस इज क्लाइंबिंग अप नाउ. तो मैंने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन है, वहां से पहले एक रोल करके भेज दिया. तो रोल करते 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 तो पहले तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में थोड़ी देर के लिए रोल किया, ये देखो यहां तक, और उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पे क्लाइंबिंग स्टार्ट कर. सो दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ क्लाइंबिंग अप. अच्छा, आई डोंट नो वेदर दिस ऑब्जेक्ट इज अ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर वगैरह वगैरह, वो सब तो चलो बाद में देख लेंगे. सो व्हाइल क्लाइंबिंग अप, व्हाइल क्लाइंबिंग अप, इज द फ्रिक्शन अप और डाउन? देहम इज आस्किंग कि थीटा आर इज फॉर रोलिंग. देखो, व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट थीटा आर तो वो वाला है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का पढ़ा था हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ चैप्टर, इसलिए थीटा आर इज टोटली डिफरेंट. यानी थीटा आर का इस चैप्टर के साथ या इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिलीवेंस नहीं है, मतलब ये कहने का मतलब, ठीक है ना. ओके, ऑलरेडी देयर आर सम यू नो There is already some answer on it coming up. देखो, मेरा question है कि friction is up or down? That is the question. चलो, आज भी एक पोल करा दिया. फ्रिक्शन इज अप और डाउन? ओके, नाइस पोलिंग हैपनिंग. लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं, इज दैट पोलिंग के टाइम ना शायद वीडियो ब्लॉक हो जाता है, मुझे जो दिख रहा है. Yes, sir. वीडियो तो नहीं जा रहा है ना अभी? The video freeze. मतलब मैं हिलता डुलता दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लैपटॉप में तो फ्रीज हो रखा है वीडियो. नहीं सर, आप फ्रीज ही हो. हाँ, वही वही लैपटॉप में भी मैं देख रहा हूँ, फ्रीज ही है. चलो एनीवे, देयर आर राइट नाउ 28 पार्टिसिपेंट्स, नो 30 पार्टिसिपेंट्स टिल नाउ. व्हाट अबाउट द अदर्स? सब लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? थोड़ा जल्दी कर लो भाई, अभी तो जस्ट 31 हुआ है. व्हाट अबाउट अदर्स? चलो ठीक है, इस केस में मैं देख रहा हूं कि चलो ठीक है, आई थिंक नाउ आई एम एंडिंग द पोलिंग. अब पोलिंग बूथ का टाइम खत्म हो गया, ठीक है. चलो, लेट मी एंड द पोल नाउ. द पोलिंग रिजल्ट इज 56% सेज अप and 47% is down. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I can probably share the results. ठीक है, चलो, इसका मतलब ये हुआ. Oh, it's so freezy. Stop sharing the results. Stop sharing video. चलो, anyway. Now it's almost like 56% says up and 44% down. इसका मतलब लगभग आधे लोगों को मानना है कि friction upwards होगा और आधे लोगों को मानना है कि friction downwards होगा. चलो ठीक है, interesting. अब इसको एक काम करते हैं, logically देखा जाए. Logically देखा जाए, ये जो object है इसका जो acceleration है वो downwards होगा या upwards होगा? अब ये मत बोलना कि इसको भी पोल करा दो. एक पोल बहुत है. 56 और 44. अच्छा, परसेंटेज ग्रेटर देन 100 आ गया था क्या? पता नहीं. ये
इवन आई डिडंट सी इट प्रॉपर्ली. चलो खैर एनीवे, तो इस बार एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना. अच्छा मुझे ये बताओ कि इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द क्वेश्चन. पोल लॉन्च करने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा स्लो है, पोलिंग इज अ गुड थिंग, लेकिन ये ना कि थोड़ा सा जो है इसका प्रोसेस बहुत स्लो है. मैं देख रहा हूँ कि अभी चार पांच जने ने आंसर किया, इस अगेन ऑलमोस्ट हाफ हाफ, कुछ लोगों ने क्लॉकवाइज बोला है, कुछ लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब एंटी क्लॉकवाइज जीतता जा रहा है. देखो ऑब्वियसली देखो ये घूम तो रहा है इधर, देखो क्लाइंब अप कर रहा, मतलब क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए isn't the omega reducing? थोड़ा सोच के देखो, isn't the omega reducing? तो अगर omega reduce कर रहा है तो alpha किधर हुआ फिर? ना alpha इस बार हो गया clockwise. So this is alpha and this is omega. Please have a look. और उसके पीछे reason है. Reason is that कि ये जो object है ना ये घूमते 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 ऊपर जा रहा है. बात समझे ना? तो therefore इसका ओमेगा ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर जाना है ना. खुद सोच के देखो, ऐसे घूमेगा तब ना ऊपर जाएगा, तो ये हो गया क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज क्या ओमेगा. लेकिन ओमेगा स्लो डाउन कर रहा है, तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? क्योंकि स्लो डाउन मतलब ऊपर जा रहा है तो स्लो डाउन हो रहा है ऑब्वियसली, तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है कि अल्फा इज ऑपोजिट टू ओमेगा, इसलिए इस बार अल्फा हो गया क्लॉकवाइज. प्लीज हैव अ लुक. मैंने अल्फा का पूछा था, ज्यादा आंसर एंटी क्लॉकवाइज आया अनफॉर्चुनेटली, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना मेरा लॉजिक. ओके अब एक काम करो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का एनालिसिस करो. तो mg sin theta नो टॉर्क, mg cos theta नो टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन नो टॉर्क. अब इसको अगर मान लो क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज, तो अगर यू नो अगर टॉर्क क्लॉकवाइज देना है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए अपवर्ड होना चाहिए? अब बताओ जरा. That friction has to be upwards. Now, मैं से ही क्या हो गया? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था तभी भी तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स आया था, कलम ने डिस्कस किया था, और अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे तो भी फ्रिक्शन अपवर्ड्स है. अब क्या करें? What can I do? है या नहीं? So therefore, friction इस केस में भी क्या होगा? अपवर्ड्स होगा. क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है या क्लॉकवाइज अल्फा है उसके लिए क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, और क्लॉकवाइज टॉर्क यही वाला फ्रिक्शन दे सकता है. यानी कंक्लूजन ये आ गया दैट द फ्रिक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब ठीक हो गया? इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दो ऐसे तो वो नीचे आता है तो भी फ्रिक्शन अपवर्ड्स होता है, और ऑब्जेक्ट को अगर रोल करके अपवर्ड्स कर दो यानी ऑब्जेक्ट क्लाइंब कर रहा है तो भी फ्रिक्शन अपवर्ड्स ही होगा. ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ. फाइन, चलो. तो लाइक दैट वाज अबाउट योर प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. आज हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे इन विच पुली इज ऑल्सो इन्वॉल्व. पुली इज ऑल्सो इन्वॉल्व. तो पुली के केस में वो क्या होता है?
हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में जो पुली पढ़ा था ना, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ चैप्टर में जो पुली पढ़ा था उसमें पता है क्या होता था? उसमें पुली फिक्स्ड होता था, ध्यान से सुनना, पुली फिक्स्ड होता था और जो थ्रेड है ना इसके ऊपर से ऐसे करके नीचे से स्लाइड, मतलब ऊपर से जाके नीचे जाता था, स्लाइड करके जाता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? कि पुली फ्रिक्शनलेस होता था, थ्रेड भी फ्रिक्शनलेस होता था, तो जब वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर थ्रेड घसीट के जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि ये रियल लाइफ में तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग अपने फिजिक्स में जो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हम लोग न्यूटन्स लॉ में किए थे, उसमें तो थ्रेड फ्रिक्शनलेस लेके चल रहे थे कि पुली के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अब ऐसे नहीं है। अब सपोज आई से नो स्लिपिंग केस, यानी नो स्लिपिंग एनीवेयर, यानी कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा ना? ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं है कि ये पुली है और थ्रेड ऊपर से जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या होगा ना, ये अगर पुली है और अगर ये थ्रेड है तो थ्रेड भी पुली को साथ में लेके जा रहा है। ये देखो स्लिपिंग नहीं हो रहा, ये होता है स्लिपिंग, ये नहीं हो रहा इस बार। इस बार क्या हो रहा है, थ्रेड बिल्कुल पुली के साथ चिपक गया, समझ लो ऐसे करके यूं, और फिर थ्रेड अपना नीचे चले जाए तो फिर पुली के ऊपर जो है थ्रेड का कोई दूसरा पोर्शन कॉन्टेक्ट में आ जाए, है या नहीं? अभी तो मैं दिखा रहा हूं कि ये देखो ये थ्रेड आया, ये पुली के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है और यहां तक, और उसके बाद क्या होगा, ये थ्रेड नीचे चला जाएगा और पुली के ऊपर का जो सरफेस है उसमें कोई पीछे के पोर्शन का थ्रेड अब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी अलग अलग पोर्शन ऑफ द थ्रेड कॉन्टेक्ट में आता है और कॉन्टेक्ट छोड़ के नीचे चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द ओवरऑल। लेकिन जिस वक्त थ्रेड का कोई पोर्शन पुली के साथ कॉन्टेक्ट में है उसमें कोई रबिंग स्लिपिंग स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग। ठीक है, ऐसे चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन निकालो। देहम सेज क्या हम डाउन भी ले सकते हैं बिकॉज स्टैटिक है? यस बेटे, मैंने पहले बोला इज दैट अगर मान लो तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो और उसमें डाउन लेके करते हो सॉल्व तो भी चलेगा, वो देखना आंसर उल्टा फिर नेगेटिव आ जाए, सो दैट यू डोंट नीड टू वरी, वो अपने आप सेटिंग हो जाएगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक एडवांटेज है कि बाई चांस उल्टे डायरेक्शन में भी अगर लगा दो, क्योंकि हो सकता है कि समझ में नहीं आया ढंग से या जो भी, व्हाट एवर यू कुड नॉट एनालाइज, तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप सही आंसर दे देते हैं बाय गिविंग अ नेगेटिव साइन, इन केस बाय चांस यू हैव ड्रॉन इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोई चिंता नहीं। चलो, सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम देहम। आई मीन, तो व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम? ठीक है, ओके। एक और पोल भी लॉन्च करना था वो टेंशन के ऊपर, बट चलो कोई बात नहीं, ये ना एक पोल के बाद दूसरे में लॉन्च करने में दिक्कत होता है, आई डोंट नो क्या दिक्कत है, है ना? तो इन द मीनवाइल एज यू आर सॉल्विंग लेट मी टेस्ट दैट पोलिंग ऑप्शंस, राइट,
let me see if I can get something out of it. चलो हो गया। Okay, I've just launched a polling, I mean, but this time it's a little easy poll. So let's see what is the result. ठीक है, थोड़ा सा ना जल्दी पार्टिसिपेट करोगे ना तो पोलिंग बड़ा इफेक्टिव टूल है, मैं देख रहा हूं। चलो एनीवे, आई थिंक आई एम एंडिंग इट नाउ। चलो अब स्टॉप करो, अब स्टॉप करो, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा खींच जाता है, फिर वो बड़ा मोमेंटम को डाउन कर देता है। चलो लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप, बस और मत करो। द पोलिंग रिजल्ट राइट नाउ इज, आई एम एंडिंग इट, द पोलिंग रिजल्ट राइट नाउ इज 67% सेइंग कि द टेंशन विल बी ग्रेटर ऑन द 2M साइड and 33% is saying ki polling is, the tension is greater on the M side, theek hai na? Chalo ab stop sharing result karta hu so that a video wapas aa jaye. Chalo theek hai, the correct answer is that the tension has to be greater on this side. Now I am seeing ki almost 3 mein se 2 jane ne sahi socha aur 1 jane ne galat tarike se analyze kiya, to main pehle to analysis ko theek karna chahta hu. देखो ऑब्वियसली सॉल्व करके एट द एंड ऑफ द डे तो रिजल्ट आ ही जाएगा, है या नहीं? लेकिन बिना सॉल्व करके एनालाइज कैसे करें, दैट इज द की थिंग। और मैं देख रहा हूं कि आउट ऑफ 3 पीपल 1 इज नॉट एबल टू एनालाइज, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सीखने का प्रोसेस होता है। आज कोई एक पोल में हो सकता है किसी का करेक्ट हुआ होगा और दूसरे पोल में हो सकता है कि दूसरा किसी का करेक्ट हुआ होगा, तो दैट इज फाइन, ऑल सेड एंड डन, दैट्स नॉट एन इशू। मेन थिंग इज दैट कि देखो ये जो पुली है ये किस डायरेक्शन में घूमेंगे, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, क्यों? कि ये भारी है तो ये नीचे आएंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो जरा सोचो अगर ये थ्रेड ऊपर जा रहा है और ये थ्रेड नीचे आ रहा है तो ये थ्रेड ऐसे करके ऊपर जाके ऐसे, तो दैट मींस दिस इज गोइंग टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज गोइंग टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है या नहीं? तो अगर ऐसे होता है इन दैट केस क्या होगा, ना द टॉर्क हैज टू बी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो यहाँ का टेंशन, मान लो अगर मैं T1 लेता हूं और अगर यहाँ का टेंशन T2 लेता हूं, ऑब्वियसली फिर ये भी T1 होगा और ये भी T2 होगा, क्योंकि सेम थ्रेड में सेम टेंशन इन द यू नो हैंगिंग पोर्शन ऑफ दिस साइड एंड द हैंगिंग पोर्शन ऑफ दिस साइड। नाउ यू माइट से टेंशन अलग कैसे हो गया, ये टेंशन अलग कैसे हो गया, यू माइट से दैट इज बिकॉज देर इज फ्रिक्शन दिस टाइम ऑन दिस सरफेस, और ये फ्रिक्शन है तभी तो थ्रेड स्लाइड ना करके उसको साथ में लेके जा पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है। और इसी वजह से क्या होता है, टेंशन इन दोनों साइड में अलग हो गया। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस स्मॉल एस्पेक्ट इज बिकॉज व्हाइल डिस्कसिंग टेंशन ड्यूरिंग न्यूटन्स लॉ चैप्टर आई डिड मेंशन
टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग. लेकिन याद करके देखो, उसके लिए मैंने कंडीशन भी डाला था, बल्कि दो कंडीशंस थे. एक ये कि टेंशन सॉरी थ्रेड हैज टू बी मासलेस, तो जो कि है उसमें कोई दिक्कत नहीं. दूसरा भी था थ्रेड हैज टू बी फ्रिक्शनलेस, जो कि इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है और इस वजह से टेंशन अलग आ रहा है. चलो अलग का तो जस्टिफिकेशन हो गया, अब रह गया ग्रेटर. तो अब ये बताओ कि अगर ये ग्रेटर ये अगर घूम रहा है तो ये ग्रेटर होगा तभी ना घूमेगा. सो देयरफॉर टेंशन ऑन द 2m साइड हैज टू बी मोर देन द टेंशन ऑन द m साइड. अब लॉजिकली क्लियर हो गया. देखो जबकि मैंने अभी तक एक भी इक्वेशन नहीं लिखा. देखो फिजिक्स का यही ब्यूटी है कि कुछ चीजें बगैर इक्वेशन भी हम अपने माइंड लगा के सॉल्व कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं और इससे कंक्लूड कर सकते हैं. तो वही हमने कंक्लूड कर लिया. ठीक है चलो नाउ लेट्स प्रोसीड. अब इसका क्या हो जाएगा, 2mg माइनस टी वन इज इक्वल टू 2m इनटू a. देव हैज गिवन द फर्स्ट आंसर एंड दैट इज a इज इक्वल टू 2g बाय 7. ऑलरेडी एक आंसर दिया हुआ है, चलो मैं बाकी देख लेता हूं. इसका हो जाएगा t2 माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू a. अब आ जाओ असली इक्वेशन जो कि इस चैप्टर को अलग कर देता है, दैट इज टॉर्क इक्वेशन. टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, T1R माइनस T2R. ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इसलिए माइनस. इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इनटू अल्फा, क्योंकि कहीं पे नो स्लिपिंग वाला कंडीशन हो रहा है. ठीक है ना, देयरफॉर ये जो ए होगा ना वो बिल्कुल अल्फा के साथ मैचिंग टाइप का होगा. तो यानी इस केस में भी हम लोग अल्फा की जगह ए बाय आर लिखेंगे. सो दैट्स द थर्ड इक्वेशन. अब एक काम करो, आर से डिवाइड कर दो ये. तो यानी ये हो जाएगा क्या, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इंटू ए बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब एक काम करता हूं मैं, तीनों इक्वेशन ऐड कर लो, 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन. तो 1, 2 एंड थर्ड इक्वेशन, अब तीनों को ऐड करो. देखो T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, 2mg माइनस mg इज mg इज इक्वल टू ma कॉमन ले लो, ma कॉमन लो तो 2ma प्लस ma 3ma प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यानी 3 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो m तो कैंसिल, यानी a आ गया g अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. देखिए ठीक है, या r इज द रेडियस ऑफ द पुली, दैट्स राइट, देयर यू आर राइट, r इज द रेडियस ऑफ द पुली. अब देखो एक चीज, ये पुली क्या लिया जाए ना, एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में बताते नहीं है, बाय डिफॉल्ट पुली इज अ डिस्क. तो बाय डिफॉल्ट याद रखना, ठीक है, याद रखना बाय डिफॉल्ट पुली इज अ डिस्क. तो डिस्क में क्या होता है, के स्क्वायर होता है आर स्क्वायर बाय 2. तो अगर ये आर स्क्वायर बाय 2 कर दो तो यानी क्या होगा, 3 प्लस 2 3.5 है ना, तो 2/7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2g बाय 7. दैट्स द करेक्ट आंसर, ये 2g बाय 7 आ गया. अगर 2g बाय 7 आएगा तो t1 आ गया कैसे ना, 2ma मतलब क्या हो गया ना 4g बाय 7, तो 4mg बाय 7, तो वो इधर कर लो 14, तो यानी 10mg बाय 7. दिस व्हाट आई सी, यानी t1 इज इक्वल टू 10mg बाय 7. ये t1 हो गया. t2 क्या हो गया, mg प्लस ma, तो 9mg बाय 7. I hope that's okay now. Let me check कर लो. T1 and T2. So मैं आज की 2g by 7 कैसे आया? कुछ नहीं, 1, 2, 3 equations को add करके तो ये आ गया. और डिस्क के लिए, डिस्क के लिए क्या होता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2 होता है.
तो वो के स्क्वायर का जगह आर स्क्वायर बाई टू पुट कर लो तो यू विल गेट इट. डिस्क का के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू होता है क्योंकि डिस्क का जो मोमेंटम इनर्शिया होता है ना अबाउट द सेंटर मास विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू और उसको एम के स्क्वायर रखना होता है तो के स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर बाई टू यहाँ पे पुट कर लो यू विल गेट द आंसर. ठीक है अब एक काम करता हूं मैं इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन दे दूं. ये पुली बेस क्वेश्चन चल रहा है अभी पुली के ऊपर और डिस्कशन करना है अभी करता हूं. Just to make the calculation slightly simple, I'm giving all of them as M only. Again, you have to find out the acceleration, tension T1 and T2. क्वेश्चन कॉपी कर लो फाइंड आउट ए T1 T2 So now let's see what is the idea that is going on in the mind. इस बार बहुत कम पार्टिसिपेंट है प्लीज जल्दी करो इसको पोल आते ही ना फटाफट कर दो सो दैट पोल के जो ट्रांजिशन का टाइम है वो बड़ा बोरिंग हो जाता है और वो डिस्टर्ब भी करता है कई बार तो वो डिस्टर्बेंस वाला और बोरिंग वाला पार्ट कम से कम. ओके वी हैव 31 पार्टिसिपेंट्स वी हैव ओनली 32 पार्टिसिपेंट्स चलो ठीक है 33 हो गया 34 हो गया 35 चलो ठीक है नाउ आई एम एंडिंग इट द रिजल्ट्स आर देयर विद यू राइट नाउ. ओके यानी मैं देख रहा हूं कि फाइव पार्टिसिपेंट्स थॉट दैट दिस विल बी ग्रेटर एंड द रिमेनिंग और ऑलमोस्ट अराउंड 32 और 33 परसेंट थॉट दैट दिस विल बी ग्रेटर है ना. तो लॉजिकली देखो अगेन वही डिस्क को ही देख के समझ में आएगा इसमें एरर का स्कोप कम था बट आई एम श्योर पिछले बार तो ऑलमोस्ट 33% का रिजल्ट था गलत वाले बट इस बार गलत वाला परसेंटेज कम हुआ यानी सोचने का प्रोसेस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है बट अभी भी पॉलिश नहीं हुआ है परफेक्ट नहीं हुआ है कोई बात नहीं दैट डजंट मैटर. तो ये वाला भी इस बार इस तरफ घूमेंगे हैज टू
क्योंकि थ्रेड को नीचे आना है, यही लटका हुआ है तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आने का प्रोसेस क्या होगा, ये पुली ये थ्रेड ऐसे करके, तो देखो द रोटेशन इज नॉट क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक वाइज टॉर्क ज्यादा होना पड़ेगा, यानी टी वन का टॉर्क ज्यादा होना पड़ेगा, तो आई थिंक ऑब्वियसली क्या होगा, विच वन इज ग्रेटर इन टेंशन, नाउ ऑब्वियसली टी वन विल बी ग्रेटर। चलो गुड, अब आते हैं आंसर के ऊपर। आंसर ध्रुव शर्मा ने दिया 2g/5, अरियंत ने दिया g/3, ऋषभ इज गिवन 2g/3 और mg/3 एंड 2mg/3, देहम इज गिवन 2g/5, सोम 2g/5, मनशा 2g/5, 2g/5 seems to be the dominant answer, और 2g/5 उसके बाद क्रेश, हर्षित, गर्व सबने 2g/5 ही दिया, because it's coming out to be pretty dominant figure, that my presumption is it must be right. तो therefore इसका मैं लिखूंगा mg-t1=ma, इसका तो अकेला टेंशन है, t2=ma, और t1r-t2r=, वैसे तो mr² भी लिख सकते थे, बट चलो जब पता ही है तो क्या करना है, ठीक है, डिस्क है तो डिस्क मतलब mr²/2, और ये r कैंसिल कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा t1-t2=ma/2, है ना, r² कैंसिल हो गया, अब तीनों को ऐड कर दो तो t1 कैंसिल t2, तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, है ना, 1, 2, 3, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टी 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 सब खत्म हो जाता है, अकेला एमजी है, इज इक्वल टू ma ma ma/2, यानी ma × 5/2, तो देयरफॉर बिल्कुल सही आंसर है, एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g/5, सो ए विल बी 2g/5, और एक बार ए 2g/5 आ जाए तो इसको पुट कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा ना, टेंशन आ जाएगा, mg-2mg/5 यानी 3mg/5, तो t1 आ गया इस बार अलग, t1 आ जाएगा 3mg/5 और t2 आ जाएगा 2mg/5, that's it, और कई सारे आंसर्स करेक्ट भी हो गए, देहम, श्रेयसी, हर्षित, अभी कुछ आंसर्स ऊपर चले गए तो उनको पढ़ना मुश्किल है, बहुत सारे मैसेज आ गए, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोला कि हमें टेंशन T1 और T2 आ गया है। अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, एंड दैट इज कि सपोज इस बार सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा फिगर कंजेस्टेड था इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं, सपोज इस बार इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगी, एम और इस बार there is slipping in disk and thread, yani is bar slipping motion ho raha hai, yani is bar aise nahi hai ki simply aise aaram se ek dusre ke sath, no, this time it is slipping, lekin disk ghum bhi raha hai to aise dekh rahe ho, yani disk to ghum raha hai लेकिन मैचिंग तरीके से नहीं घूम रहा, तो देयर इज स्लिपिंग हैपनिंग, इट इज आल्सो गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस इज गिवन एज म्यू, वैसे यहां पे फ्रिक्शन लेस है पर वहां पे फ्रिक्शन है, म्यू दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, गो अहेड, तो पिछले क्वेश्चन का तो आंसर सही था, बिल्कुल सही था, गुड गुड जॉब, अब इस क्वेश्चन को टारगेट करो, so there is slipping between disk and thread, देखो कुछ इक्वेशंस तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, सोचो तब तक,
देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क हो गया, ठीक है। उस बेसिस पे आप ये बताओ कि क्या इसमें कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है, आई थिंक द रिजल्ट्स आर देयर फॉर यू टू सी। आई मीन ओनली थ्री हैव सेड कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज, बाकी लोग बोल रहे हैं हाँ चेंज होगा, ठीक है ना, बाकी लोग बोल रहे हैं कि हाँ चेंज होगा। सो द रिजल्ट्स आर देयर फॉर यू टू सी, ठीक है ना। अच्छा चेंज किस में होगा, द आंसर इज चेंज तो होगा, बट देखो इन दोनों इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं, एमजी माइनस t1a में T2 is equal to MA, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है, पर हाँ थर्ड इक्वेशन में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार A is equal to alpha R नहीं होगा, therefore मुझे इसको alpha ही लिखना पड़ेगा। और उस चक्कर में एक दिक्कत आ जाता है, दिक्कत क्या है कि A T T दो दो T मतलब और alpha, अब चार unknowns हो गए और इक्वेशन तो तीन ही है। तो पिछले सिचुएशंस में क्या हुआ करता था कि ए और अल्फा बराबर होने के कारण क्या होता था, एक इक्वेशन शॉर्ट हो जाता था यानी बच जाते थे, एक इक्वेशन कम से मैनेज हो जाता। लेकिन इस बार ए और अल्फा कनेक्टेड नहीं है क्योंकि स्लिपिंग चल रहा है, तो स्लिपिंग में यही खासियत हो जाता है ए और अल्फा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द चेंज, आई एम गिविंग अनदर हाफ अ मिनट टू थिंक और फ्यू सेकेंड्स टू थिंक, what will be the change? A friction का टॉर्क नहीं आएगा? नहीं, फ्रिक्शन का टॉर्क तो आएगा, पर वही कि फ्रिक्शन के टॉर्क ही वो टेंशन के डिफरेंस में यू नो रिफ्लेक्ट होगा, सो देयरफॉर आई थिंक दैट्स ओके। इसमें लॉन्च होने में टाइम लगता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टूल है। देखो इसमें ये क्वेश्चन है कि चलो इस बार अलग होगा, ओके, कौन बड़ा होगा, ए ज्यादा होगा या अल्फा ज्यादा होगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, अनदर पोल इज देयर। Okay, this poll is becoming a little bit more even as far as the statistics are concerned. इस बार का पोल थोड़ा ज्यादा even हो रहा है, ए ज्यादा होगा अल्फा ज्यादा होगा। चलो ठीक है, पोल का रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है ना, तो जस्ट शेयरिंग द रिजल्ट आई मीन। तो रिजल्ट ये कि 68% एंड 32%, यानी ए भी लगभग 2:1 आ गया ऑलमोस्ट, है ना, 33% और 67% में, यू नो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 5 2 आर गोइंग फॉर अल्फा ज्यादा होगा एंड 3 आर गोइंग फॉर ए ज्यादा होगा, यानी क्लोजली मैचिंग पोल है, ठीक है ना। चलो नाउ लेट मी पुट इट लाइक दिस दैट ये लॉजिकली समझोगे कैसे, क्योंकि देखो तो मैं लॉजिक पे ध्यान देना चाह रहा हूं, मैं अभी एक मैथमेटिक्स लिख दूंगा, इक्वेशन लिख दूंगा, सॉल्व हो जाएगा, बट सिर्फ वही पर्पस नहीं है, थोड़ा सा एनालिसिस भी करो। तो मैं देख रहा हूँ कि पोल उस मामले में बड़ा अच्छा टूल है, तो
अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स थिंकिंग. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग करते नहीं है, तो फटाफट आंसर आ जाता है, तो मुझे लगता है चलो समझ में आ रहा है सबको, तो मैं भी थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा ऑब्वियसली. पर पोल से मुझे पता चल रहा है कि रियलिटी क्या है. देखो इस केस में थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर मैं इस थ्रेड को पकड़ लेता हूं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, मैं अगर इस थ्रेड को पकड़ लेता हूं, है या नहीं, तो इन दैट केस ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा, पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा. लेकिन अगर मैं इस डिस्क को पकड़ लेता हूं, अगर मैं इस डिस्क को पकड़ लेता हूं, तो सिस्टम रेस्ट पे नहीं आएगा. ये मास नीचे वाला जो है ना, ये लटका हुआ है, वो नीचे घूम सकता, मतलब नीचे घूम सकता, इधर से नीचे जा सकता. तो यानी अगर तुम डिस्क को पकड़ लो तो थ्रेड फिर भी स्लाइड करके जा सकता है. तो ये थ्रेड ही तो ए हुआ ना, तो अल्फा तो जीरो है लेकिन ए तो है. लेकिन अगर इस थ्रेड को पकड़ लो यहां पे, तो देखो अल्फा भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्क घूमेगा कैसे, जब थ्रेड ही नहीं जा रहा है उसके ऊपर से, तो डिस्क तो नहीं घूम सकता. तो इससे हम इनडायरेक्टली कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि जब अल्फा जीरो है, जबरदस्ती पकड़ लिया यू नो पुली को, तो भी ए एग्जिस्ट करता है. तो यानी अल्फा आर तो जीरो हो गया लेकिन फिर भी ए है, तो कौन बड़ा हुआ फिर, ए बड़ा हुआ या नहीं. दैट्स वन वे ऑफ लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग. और वैसे भी एक चीज देखो, ये जो थ्रेड है, थोड़ा सा एक बार सोचो जरा, थ्रेड का अगर एक्सेलरेशन ए होता है, यानी ये वाला पॉइंट ए से आगे जा रहा है, अब उससे भी आगे अगर ये जा रहा है तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबल ही नहीं. यानी क्या होगा, थ्रेड जल्दी स्लाइड करके जाएंगे और इन रेस्पॉन्स पुली घूमेंगे थोड़ा सा स्लोली. इसलिए इस केस में एक चीज तो पक्का श्योर है, ए ग्रेटर देन अल्फा होगा. तो जो लोग नहीं सोच रहे थे या इसका गलत सोच रहे थे, आई होप नाउ यू आर ऑल्सो गेटिंग एनलाइटेंड. ठीक है चलो, तो यानी ए ग्रेटर देन अल्फा. अब बताओ फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगा, है ना, फोर्थ इक्वेशन कहां से आएगा. भव्य सिंह की वीडियो ब्लर है, इज दैट सो, अब तो ठीक हो गया आई थिंक. वो शायद पोल के टाइम थोड़ा सा ट्रांजिशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो, है ना, हाँ वही मुझे भी लग रहा. चलो एनीवे डजंट मैटर. चलो सो लाइक दिस इज द एनालिसिस नाउ, और इससे क्या होगा ना, टेंशन टॉर्क और सब आ गया. अब एक इक्वेशन रह गया, एक इक्वेशन में आज डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, याद करके देखो मैंने इसको डिराइव भी किया था. एक क्लास याद है ना, वो जॉइंट क्लास हुआ था एक बार, तो उस समय मैंने एक अलग सा मेथड बताया था, एलिमेंटल मेथड. तो उस समय मैंने सिखाया था कि दैट T2 विल बी इक्वल टू T1 इनटू e टू द पावर न्यू इनटू पाई बाय 2. तो मैंने सिखाया था, अगर याद करके देखो कि अगर इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट और ये T2 है, ठीक है ना, और इधर अगर T1 है, और अगर ये ऐसे जा रहा है स्लाइड करके, ठीक है ना, इन दैट केस, और अगर यहाँ पे कोजन ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, इन दैट केस T2 इज इक्वल टू, और ये इसका जो एंगल है वो सपोज थीटा है, इन दैट केस T2 इज इक्वल टू T1 इनटू e टू द पावर न्यू थीटा. तो इस केस में थीटा क्या होगा ना, इट विल बी ए क्वार्टर सर्कल हियर, इसलिए पाई बाई 2. तो चौथा इक्वेशन ये बनेगा. अब चार इक्वेशन आ गए, ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इस पर जाना नहीं चाह रहा, बट यस वी हैव मैनेज टू गेट द फोर्थ इक्वेशन. The fourth equation is this one. अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो इन दैट केस वो वाला यू नो एक बार लेक्चर एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में तो ऑलरेडी है. अब मुझे याद नहीं कब हुआ था, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने तो ही गया है ना, तो एक महीने के आसपास पहले का. उसमें देखना हेडिंग होगा एलिमेंटल एनालिसिस करके, तो वो हेडिंग से जो उस दिन डिस्कशन हुआ था, बस उस इस पोर्शन को देख लेना एक बार. तो ये मैंने पूरा डिराइव किया हुआ. अब डिराइवेशन प्रोसेस में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी डन इट, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट होगा. तो इससे अच्छे के देख ही लेना अपने आप. तो T2 is equal to T1 into e to the power mu into pi by 2. Mu देखो गिवन है, बिना mu गिवन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि T1 और T2 का जो रिलेशनशिप है वो इसी पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना. तो ये T1 हो गया, ओ सॉरी, ये इस केस में ये T1 है ना, सॉरी सॉरी, ये T2 है. तो यानी इस बार उल्टा हो जाएगा, T1 is equal to T2 into e to the power mu pi by 2. ये T1 वाला greater है, तो मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है ना, that's all. इस बार T1 होगा, तो T1 is equal to T2 into e to the power, यानी बड़ा वाला यहाँ पे होगा टेंशन, कम वाला टेंशन यहाँ पे होगा, बाकी अपना एडजस्ट होगा, ठीक है.
ओके देहम सेज कि कोइंसिडेंटली मैंने ये लेक्चर कल ही देखा था. इतना पुराने लेक्चर कल क्यों देखे थे? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, बीच में रिवाइज करते रहो तो देयर इज नो हार्म. ये वाला इक्वेशन आप सुनने आ गए बेटे, अब इसमें पोल नहीं करने की जरूरत नहीं होना चाहिए. सुनो चलो ओके लेट्स मूव ऑन देन. तो यानी अगर स्लाइड कर रहा है तो इन दैट केस इस इक्वेशन का हमें जरूरत पड़ेगा. ओके चलो लेट्स मूव ऑन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज अगेन मैं एमएम ले रहा हूं सो दैट थोड़ा सा क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान हो, और कोई बात नहीं. यानी इस बार म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ये है सॉलिड स्फीयर. तो वही सेम चीज आ गया टी वन टी टू सॉरी टी वन टी टू टी टू ठीक है. गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग. मैं इक्वेशंस मिटा देता हूं. अब तो वो टी वन टी टू और वो ई टू द पावर म्यू वगैरह सब खत्म हो गया. सर क्वेश्चन में न्यू गिवन है. क्वेश्चन में क्या सर म्यू गिवन है क्या? नहीं नहीं म्यू गिवन नहीं है. इट इज जस्ट दैट नो स्लिपिंग एनीवेयर, म्यू सफिशिएंट है. ये बल्कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम म्यू, वो अगला फेज में देखेंगे. पहले एक्सेलेरेशन और टेंशन निकालो. यानी फाइंड ए टी वन टी टू. ए इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस वन. लो एक और क्वेश्चन का आंसर करो जरा. ओम हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि क्या पुली में फ्रिक्शन नहीं है. बेटे पुली में फ्रिक्शन है तभी तो पुली घूम रहा है. नो स्लिपिंग एनीवेयर बोला है, यानी पुली में भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो पुली में भी फ्रिक्शन होना मस्ट है. ये तो होगा ही होगा. ओके पुलिंग में ओनली क्यों है पार्टिसिपेटेड टिल नाउ. थोड़ा जल्दी करो. ओनली 18 है पार्टिसिपेटेड टिल नाउ. 20 22 32 ने अभी तक पार्टिसिपेट किया. वैसे मुझे एक चीज थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता इज दैट
Why only 33? There are 42 students right now. 43 तो इसलिए दिखा रहे क्योंकि उसमें मेरा भी एक लॉगिन है. So, and only 35 have participated. I would also like to know who is not there in the participant. बस एक बटन ही तो क्लिक करना है, थोड़ा जल्दी कर लिया करो. चलो एनीवे नाउ लेट मी एंड एट 37. ठीक है. वेल द आंसर इज दैट 54% फॉरवर्ड एंड 46% बैकवर्ड. नाउ दैट इज द रिजल्ट. 54% फॉरवर्ड एंड 46% बैकवर्ड. यानी लगभग आधे आधे हो गए. यानी आधे लोगों को लग रहा है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड, लगभग आधे लोगों को लग रहा है फ्रिक्शन फॉरवर्ड और आधे लोगों को लग रहा है फ्रिक्शन बैकवर्ड. ओके, देखो पहले तो इसको आंसर कर लिया जाए. यानी कल वाला लेसन अभी भी ढंग से बहुत लोगों ने लर्न नहीं किया है, या कह सकते हो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है. वो अलग बात है, ये मैं आश्वासन देने के लिए कह रहा हूं. वो अलग बात है कि अगर तुमने गलती से भी उल्टा डायरेक्शन सोच लिया तो इस बार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि नो स्लिपिंग केस है. नो स्लिपिंग केस में जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का ब्यूटी क्या है कि तुम गलती से उल्टे डायरेक्शन में लगा दो, इधर से उधर या उधर से इधर, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप एडजस्ट कर लेंगे. इसलिए इस क्वेश्चन में तो खैर गारंटीड है कि फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड, लेकिन मैं फिर भी फ्रिक्शन बैकवर्ड लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं. यही कैसे पता चल रहा है कि फॉरवर्ड है? क्योंकि याद करके देखो, एक्स क्या था? के स्क्वायर बाई आर. तो के स्क्वायर बाय आर अगर तुम सॉलिड स्क्वायर में लगाओगे तो क्या आएगा? के स्क्वायर होता है सॉलिड स्क्वायर के लिए 2/5 r², यानी क्या हो गया? इक्वल टू 2/5 r फॉर अ सॉलिड स्फीयर, यू गेट 2/5 r. इसका मतलब क्या हुआ? सोचो जरा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम सेंटर से 2/5 r पे अगर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन जीरो होगा, उससे ऊपर लगाओगे इन दैट केस फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा. तो हमने तो फोर्स एकदम टिप पे लगाया. ये जो टेंशन T2 एक्ट कर रहा है, ये टेंशन T2 कहां पे एक्ट कर रहा है? बिल्कुल टिप पे. तो यानी इज इट ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय आर? तो अगर एच ग्रेटर देन के स्क्वायर बाय आर होता है, इन दैट केस क्या होता है? फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा. तो देखो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड, बट मैंने जानबूझ के फ्रिक्शन बैकवर्ड्स ड्रॉ किया है, सो दैट जब आंसर नेगेटिव आएगा तो तुमको खुद पता चल जाएगा दैट गलत बिलो तो कोई दिक्कत नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक फ्रिक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका तो हो गया mg - t1 इज इक्वल टू ma. ठीक है, इसका होगा t1r - t2r. तो मैं एक काम करता हूँ, आर को उधर ही ले जाता हूँ, नहीं तो बार बार इक्वेशन को रीड दोबारा लिखना पड़ता है. तो t1r - t2r इज इक्वल टू m a बाई 2. ये आई होप यू अंडरस्टूड द वे आई हैव जंप्ड अवे. तो t1r - t2r इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इनटू a बाई r, ये आता है ना. तो r को उधर ले जाऊंगा तो r वर्स सब कैंसिल हो जाता, तो इक्वेशन मैंने मॉडिफाइड वर्जन ये लिख दिया. तो ये रोटेशन वाला इक्वेशन, बट थोड़ा सा स्टेप जंप कर लिया. आई थिंक अब तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना तो पता ही है. अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये इक्वेशन में क्या गलती है ये तुमको पॉइंट आउट करना है. t2 - f इज इक्वल टू ma. इस इक्वेशन में क्या एरर है बताओ पहले? इस इक्वेशन में क्या एरर है बताओ? और अगर एरर नहीं है तो बता दो, इट्स ओके. नहीं एरर, सिर्फ एरर मत बताओ, एरर को क्या चेंज करना वो भी बताओ. बल्कि पता है मैं एक गलती में करता हूं, मुझे अब रियलाइजेशन हो रहा है दैट कई बार ना मैं आंसर थोड़ा जल्दी दे देता हूं. ठीक है ना, मैं देख रहा हूं कि आंसर्स में एरर्स आ रहे हैं. ओके देखो, लेट मी रीड आउट दी यू नो रेस्पॉन्सेस. मुझे वैसे इस पे पोल करना चाहिए था, बट इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना पोल में. देखो अरियंत ने सेज की नहीं एक्सेलेरेशन में एरर है, चलो ठीक है. देहम सेज की 2/5 ma होना चाहिए, यहाँ पे 2/5 ma होना चाहिए, दिस इज व्हाट देहम सेज. श्रेयसी सेज की a बाई 2 होना चाहिए, अरियंत सेज 2a होना चाहिए, पार्थ सेज की a को 2a कर दो, भव्य सेज नहीं t2 + f करो. t2 + f क्यों करूंगा? f तो मैंने उल्टा लिया है ना, जो फ्री बॉय डायग्राम मैंने बनाया उस हिसाब से इक्वेशन लिखना पड़ेगा.
Now you might say, नहीं हमें तो पता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड है. तो अगर तुमको पता है तो लेट दिस फ्रिक्शन फॉरवर्ड ड्रॉ करो. ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन मत लिख देना. तो जैसे मैंने ड्रॉ किया उस हिसाब से इक्वेशन सही है लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में फर्क है. सानिया रावत से इसकी इसको 2a लिखना चाहिए a के जगह. देखो अभी तक सिर्फ एक करेक्ट आंसर आया. बस कम से कम ऑलरेडी 7-8 रिस्पॉन्स आ चुका है, 8 या 9 रिस्पॉन्स आ चुका है. अब मैं सबका पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ. स्नेह इज ऑल्सो गिवन. ध्रुव से इसकी आपने सेकेंड इक्वेशन में गलती कर दिया है. सेकेंड इक्वेशन में गलती है क्या? नहीं, सेकेंड इक्वेशन तो बेटे सही है. ध्रुव ध्रुव इज सेइंग कि आपका सेकेंड इक्वेशन गलत है. सेकेंड इक्वेशन बेटे सही है. मैं थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं. चेंज क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो. चेंज में करूंगा a by 2, यानी ओनली वन करेक्ट आंसर. अभी तक टोटल 10 रिस्पॉन्स आया है लेकिन सिर्फ एक करेक्ट आंसर आया है. हु इज दैट? आई थिंक शायद श्रेयसी ने करेक्ट आंसर दिए. आई होप आई एम पॉइंटिंग आउट करेक्टली. अगर एक आध किसी का छूट गया तो एक बार देख लेते. ध्रुव शर्मा सेज की वो तो 2/5 एम आर स्क्वायर होता है. बेटे ये सॉलिड स्फीयर है, ये नहीं है, ये तो पुली है. पुली के लिए मैंने क्या बोला था? बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है. तो इसलिए इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 है, तभी ये 2 आया. वो एम आर स्क्वायर बाय 2 वाला 2 है ही. इसलिए ध्रुव शर्मा डोंट वरी, सेकेंड इक्वेशन सही है. थर्ड इक्वेशन में चेंज क्या करना पड़ेगा वो मैंने बताया. थर्ड में भी तो वो सॉलिड स्फीयर होता है एम आर स्क्वायर बाय. हिसाब क्या है याद करके देखो. कल मैंने सिखाया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोफाइल, तो उसी को मैच कराओ. ये देखो फिर से याद दिला रहा हूं. यहाँ का वेलोसिटी अगर v होता है तो इन दैट केस क्या होगा? ऐसे होगा इसका v by 2. पर चक्कर ये है कि मैंने इसके एक्सेलरेशन को a ले लिया, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी a होगा. तो अगर इसका a होता है तो इसका क्या हो जाएगा? a by 2. इसलिए क्योंकि ये जो लीनियर मोशन का इक्वेशन होता है ये सिर्फ सेंटर मास के लिए वैलिड है, इसलिए t2 minus f is equal to m into a by 2. ये अब जाके इसका इक्वेशन करेक्ट हुआ. निखिल सेज की नहीं, मैंने भी लिखा था a के जगह a by 2 होगा. हाँ वो मुझे लग रहा था एक आध शायद स्किप कर गया होगा. आई डोंट नो. निखिल निखिल तुमने आंसर ही कहाँ किया? चलो एनीवे मुझे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ श्रेयसी का ही नजर आया. बस निखिल तुमने या तो एंटर ही नहीं प्रेस किया होगा. हाँ नहीं नहीं, निखिल ने लिखा. यस, निखिल इज ऑल्सो गिवन एम ए बाय 2. यानी सिर्फ 2 जने का करेक्ट थे, बाकी आई थिंक 9 या 10-11 रिस्पॉन्सेस थे, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर था. तो चलो कोई बात नहीं, एरर से हम सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट दीज आर थिंग्स दैट यू टू ऑब्जर्व क्विकली. ये ए और ये ए बाय 2 इंपॉर्टेंट था तो ये इक्वेशन आ गया. यानी देखो एग्जाम में कहां पे हम लोग छोटा सा एरर करते हैं और फिर गलत हो जाता है. लास्ट इक्वेशन टॉर्क का. तो टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा? T2 प्लस F इंटू R इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर. अब बताओ कि इस इक्वेशन में क्या एरर है? इस इक्वेशन में बताओ क्या क्या एरर है. What is the error in this equation? जल्दी बोलो, इस equation में क्या error है? ध्रुव शर्मा से इसके आपने T1 का टॉर्क तो लिखा ही नहीं है. बेटे T1 का टॉर्क तो डिस्क पे लग रहा है ना. मैं तो इसका एक टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूं. ये इक्वेशन इसका है. ओके, गर्व हैज गिवन द फर्स्ट करेक्शन एंड दैट इज राइट. ध्रुव शेष के आज तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है. इसका डिस्कशन हो रहा है तो उस पे ध्यान दे रहे हो. चलो एनीवे ओके. इंटरेस्टिंगली सबका ध्यान अब लेफ्ट हैंड साइड में है. एरर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में है.
एरर जो मैंने लिखा है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में है। एक एरर तो ये है, ये प्लस होगा, ये कईयों ने पॉइंट आउट किया, गर्व ने पॉइंट आउट किया, आदित्य माथुर ने पॉइंट आउट किया, अरियन जैन, सानिया, जसराज, पार्थ बंसल सबने पॉइंट आउट किया। चलो गुड जॉब। लेफ्ट हैंड साइड में ये करेक्शन है बेटे, राइट हैंड साइड में भी है, क्योंकि जो अल्फा होता है ना वो होता है ए बाई आर, लेकिन इस बार ए थोड़ी है इसका, इसका तो ए बाई टू है, इसलिए ये होगा ए बाई टू अपॉन आर, इसलिए यहां पे भी एक करेक्शन होगा, ये ए बाई टू अपॉन आर यानी ए बाई टू आर होगा। इज दैट ओके ना? अब जाके क्या हुआ ना, सारे इक्वेशंस बन गए और अब जो है सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, बट क्योंकि टाइम आज नहीं है तो शायद आज हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, कि आज तो खत्म कर दो, ये आर स्क्वायर आर वर्ग तो सब खत्म हो जाता है। चलो थोड़ा टाइम लग जाएगा, या एक काम करें कि तो ऐड करके सीधे आ जाता है ना, 2t2 हो गया ना, 2t2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो आ जाएगा 2t2 इज इक्वल टू एम ए बाई टू प्लस एम ए बाई फाइव, तो 7/10 एम ए, ठीक है ना, तो t2 आ गया 7/20 एम ए, ठीक है ना, यानी t2 इज इक्वल टू 7/20 एम ए, ठीक है। अब एक काम करो, एक दो और इसको ऐड करूंगा तो क्या है, एम जी इज इक्वल टू 7/20 प्लस 20 प्लस 10 है ना, तो 37/20। एक बार जरा देखो, जरा ये आंसर आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, पता नहीं मेरा सही है गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक्चुअली सारा कुछ ओरली कर दिया फटाफट, अब कहीं एरर हो गया तो आई डोंट नो, एक बार इसको इस आंसर के बाद चेक कर लेना, आई एम नॉट सेइंग इट्स करेक्ट बट आई एम नॉट रियली डन इन मच, जस्ट क्विकली आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो मैंने मेंटल कैलकुलेशन से कर लिया है, तो ए इज इक्वल टू 20/30/37 जी इज व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू मी इन दिस केस। अब एक बार ए आ गया तो आई थिंक t1 t2 वगैरह सब एक के बाद एक आता जाएगा, इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, तो t2 आ जाएगा इसके बाद, और t1 इससे निकाल लोगे और फ्रिक्शन किसी एक में पुट कर लो, इसमें या तो इसमें, एंड दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आल्सो, क्योंकि एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मिनिमम म्यू, तो वो जो फ्रिक्शन आया था उसको म्यू एम जी पुट कर लो, ये वाला म्यू एम जी, तो उससे म्यू मिनिमम भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स पुट एन एंड हियर, ये रोटेशन चैप्टर का ब्यूटी है, there is lot to learn and there is lot of stuff in each question that you are seeing already, matlab mujhe to lagta hai ki ek ek question pe main 3-3, 4-4 poll kara sakta hu, aise itne sare ideas hota hai ek ek particular question, but wo hai ki poll mein thoda sa type karna padta hai, usko set karo fir result nikalo, to kai baar thoda sa process slow ho jata hai, but otherwise I am finding the tool of polling to be a good learning experience for myself also, ye mujhe bhi pata chal raha hai ki ha kitne students sahi soch rahe hai galat soch rahe hai, so it's a good thing, बट मैं ये चाहूंगा अगले बार से कि जब पोलिंग करेंगे ना तो देर शुड बी 100% पार्टिसिपेशन, देर शुड नॉट बी 37/43 ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, वी विल कैरी ऑन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटे, ओके आज के लिए, थैंक यू सर, ओके बेटे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, ये चैप्टर्स को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि अदरवाइज ना इसमें इतने सारे लर्निंग एलिमेंट्स है कि फिर हम भूलने लगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए, थैंक यू सर, कुछ पूछ रहे हो, थैंक यू सर, अच्छा अच्छा मुझे कुछ पूछ, चलो ओके बेटे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।